हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, न्यू नोटिफिकेशन आउट हुआ है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से। तो चलिए इस जॉब के बाद हम लोग डिटेल्स जानते हैं। डिटेल्स जानने के लिए आपको इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहना होगा ताकि आप इस जॉब के बाद सारा चीज़ समझ पाएँ कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या एज लिमिट होना चाहिए, इसमें किस तरह से सिलेक्शन ले सकते हैं और आप इस फॉर्म को कब से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग सारा चीज़ डिस्कस करेंगे, इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चलिए डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट: सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर ऑनलाइन फॉर्म 2022। इस फॉर्म को 5/1/2022 को इसको रिलीज़ किया गया है और इसमें टोटल वैकेंसी 120 है। अब देखते हैं एप्लीकेशन फ़ी। तो देखिए, यू आर ओबीसी ईडब्ल्यूएफ कैंडिडेट्स के लिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए 1000 प्लस इंटीमेशन चार्ज लगेगा। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए 100 प्लस इंटीमेशन चार्ज लगेगा और इसका पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट। आप इस फॉर्म को 5/1/2022 से अप्लाई कर सकते हैं और 24/1/2022 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और आपका एग्ज़ाम फेज़ वन का 20/2/2022 में लिया जाएगा। अब देखते हैं हम लोग एज लिमिट। तो देखिए, आपका एज 30 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। जनरली एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाता है और ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाता है। अब देखते हैं हम लोग वैकेंसी डिटेल्स। तो देखिए, ये ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर के लिए पोस्ट है, स्ट्रीम वाइज इसमें बांटा गया है। तो देखिए, जनरल के लिए 80 पोस्ट है जिसके लिए क्वालिफिकेशन डिग्री लॉ में होना चाहिए या फिर इंजीनियरिंग, सी ए, सी एफ, सी एफ ए, सी डब्ल्यू ए, पी जी का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ओके, अब देखते हैं लीगल स्ट्रीम के लिए। इसमें टोटल पोस्ट 16 है जिसके लिए क्वालिफिकेशन बैचुलर डिग्री होना चाहिए विथ लॉ। ओके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए टोटल पोस्ट 14 है जिसके लिए क्वालिफिकेशन डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग में या फिर डिग्री एन ए डिसिप्लिन या फिर एम सी ए। ओके, रिसर्च में टोटल पोस्ट 7 है और ऑफिशियल लैंग्वेज में 3 है जिसके लिए क्वालिफिकेशन पी जी होना चाहिए। अब देखते हैं मेथड ऑफ सिलेक्शन। तो इसमें देखिए, सिलेक्शन आप फेज़ वन फेज़ टू और फेज़ थ्री के थ्रू आप ले सकते हैं। तो फेज़ वन में देखिए, आप लोग को 2 पेपर रहेंगे जिसमें कि आप लोग को पेपर वन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस, ओके, क्वेश्चन रिलेटेड टू फाइनेंस फैक्टर ऑफ इजी टू मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड टेस्ट रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैक्सिमम मार्क्स 100 रहेगा। ओके, और इसमें आप लोग को 1 घंटा का टाइम दिया जाएगा। इसमें देखिए, कटअप भी पहले ही मेंशन कर दिया गया है, 30% कटअप जाएगा। ओके, और देखिए पेपर टू के लिए, तो देखिए इसमें जनरल स्ट्रीम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें भी रहेंगे, सब्जेक्ट कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कोस्टिंग, कंपनीज एक्ट एंड इकोनॉमिक्स, आप लोग को 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 40 मिनट आप लोग को टाइम दिया जाएगा, 40 मिनट आप लोग को टाइम दिया जाएगा और इसमें भी कटअप मेंशन कर दिया गया है 40%। ओके, और देखिए लीगल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें भी रहेंगे। ओके, रिसर्च स्ट्रीम के लिए भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, ओके, स्टैटिक्स, फाइनेंस एंड कॉमर्स क्वेश्चन रहेंगे। तो देखिए, इसमें भी आप लोग को 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 40 मिनट आप लोग को टाइम दिया जाएगा और 40% कट ऑफ यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। अब देखते हैं फेज़ टू के लिए। तो फेज़ टू में देखिए, आप लोग का पेपर वन ऑल स्ट्रीम्स के लिए इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लिया जाएगा जो कि 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें भी आप लोग को 1 आवर का टाइम दिया जाएगा, 1 घंटा का, जिसमें देखिए यहाँ पर भी कटअप मेंशन कर दिया गया है 30%। ओके, पेपर टू में देखिए, जनरल स्ट्रीम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कोस्टिंग, कंपनीज एक्ट एंड इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के। इसमें आप लोग को 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 40 मिनट का, और कटअप यहाँ पर 40% मेंशन कर दिया गया है। ओके, और देखिए लीगल एंड ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम के लिए 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रिसर्च स्ट्रीम के लिए भी, और इसमें आप लोग को 40 मिनट टाइम दिया जाएगा और 40% कटअप मेंशन कर दिया गया है।
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए देखिए कोडिंग टेस्ट, लैंग्वेज VA या फिर जावा पाइथन, फिर क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के। इसमें आप लोग को 180 मिनट टाइम दिया जाएगा और 40% कटअप मेंशन किया गया है। अब देखते हैं, देखिए फेज 1 और फेज 2 जैसे ही आप क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आप लोग को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ओके, अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं फेज 3 का, देन आप इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा एंड देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका इसमें फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। ओके, अब देखते हैं सिलेबस टॉपिक वाइज। सिलेबस फॉर पेपर 2 ऑफ फेज 1 एंड फेज 2 जनरल स्ट्रीम के लिए, तो आप लोग इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी मैनेजमेंट, इसको आप लोग टॉपिक वाइज नोट कर लीजिए। फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट, देख सकते हैं कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इकोनॉमिक्स, ओके। अब देखिए सिलेबस फॉर पेपर 2 ऑफ फेज 1 एंड फेज 2 इन लीगल स्ट्रीम में, तो देखिए आप लोग को फेज 1 में ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्रिमिनल लॉ, इंडियन पेनल कोड, ओके, आईपीसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1860 चैप्टर 1 2 3 4 5, तो ये सारे क्वेश्चन से आप लोग को पूछे जाएंगे, जिसमें कि यहाँ पर वेटेज भी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कि कौन से टॉपिक से कितने वेटेज दिया जाएगा। देखिए फेज 2 के लिए यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीन शॉट कर लीजिए। ओके, अब देखिए सिलेबस फॉर पेपर 2 और फेज 1 इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम के लिए, तो यहाँ पर डेटाबेस कॉन्सेप्ट, SQL क्वेरीज, ओके, प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, जावा C++, यहाँ से आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। और यहाँ पर वेटेज मेंशन कर दिया गया है कि कौन से टॉपिक के लिए कितने वेटेज है। ओके, अब देखिए सिलेबस फॉर पेपर 2 फेज 2 इन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, एल्गोरिथमिक डेटा स्ट्रक्चर, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए पेपर 2 ऑफ फेज 1 एंड फेज 2 इन रिसर्च स्ट्रीम के लिए, इकोनॉमिक्स से यहाँ से देख सकते हैं, पब्लिक इकोनॉमिक्स से, स्टेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स से, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल मार्केट से। पेपर 2 फेज 1 एंड फेज 2 ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम कॉमन सिलेबस फॉर बोथ फेजेस, ओके, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद, यहाँ से आप लोग टॉपिक को स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अब देखते हैं हम लोग एग्जामिनेशन सिटी की, कौन कौन एग्जामिनेशन एग्जाम फेज 1 और फेज 2 में आप लोग के कहाँ कहाँ एग्जाम सेंटर पड़ेंगे। तो देखिए फेज 2 के लिए आप लोग को एग्ज़ाम देख सकते हैं, यहाँ पर अपना स्टेट यहाँ से देख सकते हैं। पहले फेज 1 देखते हैं। ओके, देखिए फेज 1 के लिए तो आंध्र प्रदेश में देख सकते हैं कि कौन से सिटी में आप लोग के एग्ज़ामिनेशन पड़ेगा। एक विजयवाड़ा हो गया, ओके, कुरनूल, गुंतूर, आंध्र प्रदेश में देख सकते हैं, यहाँ पर आसाम में गुवाहाटी, ओके, महाराष्ट्र में यहाँ पर देख सकते हैं नागपुर, नासिक, पुणे, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। देखिए बिहार में पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर में सेंटर पड़ेगा एग्जाम का। झारखंड का धनबाद, रांची, जमशेदपुर, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अब देखते हैं फेज 2 के लिए, तो फेज 2 का देखिए आप लोग का एग्जामिनेशन सेंटर देख सकते हैं यहाँ से, बेंगलुरु, मदुरई, रायपुर, रांची, सिलीगुड़ी, आप लोग का जहाँ स्टेट पड़ता है वहाँ से आप देख सकते हैं। फर्दर पेपर 2 के लिए, वो पेपर 1 के लिए था, ये पेपर 2 के लिए, किसके लिए, टेक्नोलॉजी स्ट्रीम विल बी हेल्ड सेपरेटली एट फॉलोइंग सिटीज, तो अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम के लिए पेपर 2 के लिए देना चाहेंगे तो आपका सिटी ये पड़ेगा, यहाँ से आप लोग दे सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग सैलरी, तो देखिए इसमें आप लोग को सैलरी सैलरी अगर आप एकोमोडेशन लेते हैं
गोरमेंट का, तो आपको सैलरी 80,500 पर मंथ मिलेगा। अगर आप एकोमोडेशन नहीं लेते हैं गवर्नमेंट का, तो आपको सैलरी 1,15,000 पर मंथ आप लोग को सैलरी मिलेगा। इसके अलावा देखिए आपको बेनिफिट्स क्या कौन कौन से मिलेंगे, लीव फेयर, कंसेशन, मेडिकल एक्सप्रेस, ओके, आई एक्सपेंसिस, मेडिकल एक्सपेंसिस दिया जाएगा, आई रिफ्रेक्शन, एजुकेशन दिया जाएगा, अलाउंसेस, ओके, फाइनेंशियल डेलीज, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, हाउस क्लीनिंग अलाउंसेस, स्टाफ फर्निशिंग स्कीम, तो ये सारे आप लोग को दिए जाएंगे फैसिलिटीज़, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो आई होप आप लोग की इस जॉब के अबाउट सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। स्टिल किसी भी तरह का डाउट रहता है देन आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हैं देन इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल लगा देन इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।